हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की बर्फी। ये मिठाई खाने में जितनी टेस्टी है बनाना उतना ही आसान है, और इस बर्फी के आगे बाजार की सारी मिठाई फेल है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए 1.5 कप बेसन लेंगे। बेसन को मैंने पहले ही छान लिया था, अब इसे भूनेंगे। कढ़ाई में 4 चम्मच घी डालेंगे, घी मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें 1.5 कप बेसन डाल के धीमी आंच में भून लेंगे। इसे दबाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। साथ में 2 चम्मच सूजी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। इससे मिठाई दानेदार बनेगी। ये डालना ऑप्शनल है, इसके बगैर भी मिठाई बन जाती है। अभी इसमें घी कम लग रहा है, इसमें 2 चम्मच घी और डालेंगे और थोड़ी देर और भूनेंगे। इसकी भुनाई बहुत जरूरी है, बेसन जितना अच्छा भुनेगा मिठाई उतनी अच्छी बनेगी। बेसन का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से भुन गया है और इसमें घी भी छोड़ने लगा है। अब 1/2 कप खोया डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा सा इलायची पाउडर और 2 चुटकी फूड कलर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे मिठाई का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे आप ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ इसकी चाशनी बना लेते हैं। 1 पैन में 1 कप चीनी डालेंगे, उसी कप की नाप से 1/2 कप पानी डाल के 1 तार की चाशनी तैयार करेंगे। चीनी घुल गई है, चाशनी बॉयल आने लगा है। अब इस तरह हम चेक करेंगे। ये देखिए चाशनी बनके तैयार है। अब ट्रे लेंगे और ट्रे को घी से ग्रीस करेंगे। बेसन ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम चाशनी मिलाएंगे। चाशनी को एक साथ ना मिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, परफेक्ट चाशनी मिल चुकी है। अब तुरंत ही बेसन की बर्फी को ट्रे में डाल देंगे, नहीं तो बर्फी जमनी शुरू हो जाएगी। इसे अच्छे से फैला देंगे और स्पैचुला से चारों तरफ चिकना कर लेंगे। अब इसे बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लेंगे और इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे मिठाई में अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, अब इसे काट लेते हैं। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो इसमें दरारें आने लगेंगी, इसलिए इसे हल्के गर्म में ही काट लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट मिठाई बनी है। तो इसे हम तोड़ के दिखाते हैं, कितनी सॉफ्ट यम्मी मिठाई बनी है। इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो या कोई त्यौहार हो, इस मिठाई को आप बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।